सो हे गाइस, वी आर बैक इन टू द गेम। सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 3 GTA 3 जो कि लिबर्टी सिटी है वो अपने पीसी में किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए हमें दो सॉफ्टवेयर चाहिए। पहला तो आपका कोई भी बेसिक ब्राउज़र और सेकेंड यूटोरेंट वेब। यूटोरेंट या बिटोरेंट कोई भी चलेगा, लेकिन मैं यूटोरेंट रिकमेंड करता हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि पहले यूटोरेंट को किस तरीके से डाउनलोड करते हैं और फिर गेम को भी डाउनलोड करके मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आप लोग अपना ब्राउज़र ओपन कीजिए, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद में सबसे पहले आप ऊपर सर्च बार में सर्च कीजिए यूटोरेंट। गूगल से जाना चाहिए, गूगल से, क्योंकि रिजल्ट फास्ट मिलते हैं। तो सबसे पहले आप वहाँ पर सर्च कीजिए कि यूटोरेंट। आप यूटोरेंट जैसे सर्च करेंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने आएगा वो आपको ओपन करना है। अगर आप विंडोज़ वाला कर रहे हैं तो विंडोज़ वाला, या फिर कोई भी आप सिलेक्ट कीजिए, आपके सामने वही ओपन होगा। वहाँ पे फिर आपको दिखाया है डाउनलोड यूटोरेंट वेब। तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और यूटोरेंट वेब आपके पीसी में डाउनलोड हो जाएगा। सो यह ऐप डाउनलोड होने के बाद आपको एक डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके का अकाउंट दिखेगा यू का। सो बस आपको उसको सिंपली क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद यूटोरेंट के सर्च सर्च बार में आपने सर्च करना है GTA 3 लिबर्टी सिटी, या फिर आपको कोई भी टोरेंट साइट पता होगी तो आप साइट पे भी जा सकते हो डायरेक्टली, आपकी चॉइस है। लेकिन मैं यहाँ पे सर्च करना रिकमेंड करूँगा क्योंकि मैंने उसी से डाउनलोड किया है। उसके बाद सर्च होने के बाद जो रिज़ल्ट आएंगे उसमें जो GTA download.org जो आपको वेबसाइट दिख रहा है, जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, वो वेबसाइट है GTA download.org। बस सिंपली उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देखिए GTA download.org फुल वर्जन, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करने के बाद जब आप नीचे जाएंगे और नीचे आपको वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। सो आपको उस डाउनलोड पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो आपको डायरेक्टली आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, और कंफर्मेशन मांगने के बाद आपको दिखाएगा कि डायरेक्टरीज क्या क्या है और आपको कहाँ पर इसको इंस्टॉल करना है। बस आपको अपना इंस्टॉलेशन फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट जैसे हो जाए ओके कर दीजिए। इंस्टॉलेशन पर क्लिक करने के बाद आपकी गेम इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है इसलिए मैं वापस से इंस्टॉल नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको आगे के स्टेप्स भी बता देता हूँ। सो इंस्टॉल होने के बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको वो यूटोरेंट के टैब में रिडायरेक्ट करेगा, और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपकी गेम कितनी डाउनलोड हो चुकी है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी गेम शायद से पूरी डाउनलोड हो चुकी है, तो मुझे अब पूरा दिखाएगा, देख सकते हो आप लोग। हाँ, सो हियर मेरा गेम जो है पूरा डाउनलोड हो चुका है। तो देखिए मेरे को यहाँ पर दिखा रहा है पूरा डाउनलोड है। ये सैन एंड्रियास की फाइल है, लेकिन आपको भी GTA 3 का सिमिलर ही दिखाएगा। सो इसके बाद हम लोग ओपन करेंगे कि गेम जहाँ पर डाउनलोड हुआ था वो फोल्डर, और देखेंगे कि क्या क्या है उस फोल्डर में। सो देखिए GTA 3 का फोल्डर है ऊपर बना हुआ, उसके अंदर रीड में इंस्ट्रक्शंस है। तो आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं तो आप पढ़ लीजिए, वरना मैं स्टेप बताता हूँ वो फॉलो कीजिए, आप सिंपली आपका गेम इंस्टॉल हो जाएगा फिर। सो इसके अंदर कोई इंस्टॉलेशन स्टेप तो है नहीं, तो डायरेक्टली आपको फोल्डर दिया है उस फोल्डर पर बस क्लिक करने के बाद अंदर जो आपको आइकन दिखेगा GTA 3 का एप्लीकेशन, बस आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। और वो क्लिक करते ही बूम आपका गेम ओपन हो जाएगा। सो ये गेम कैसा दिखता है, इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप उसके ऊपर जाकर देखिए। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, शेयर ज़रूर कर दे, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।